जब हम सोमवार को आपका सिंहर जिला गए तो ऑफिस में साहब नहीं मिले तो हम कोठी पर गए, कोठी पर गए तो वहाँ फोन किया गया, बोले एसपी साहब को कॉल कर लीजिए, वो मिल लेंगे। तो बोलते हैं तो तुम्हारा औकात कैसे हो गया जो तुम कोठी पर आ गया, तुम लाइन देखो भेजो। तो ठीक है, दूसरे दिन मंगलवार था, लाइन देखा तो आपका माननीय मुख्यमंत्री मंत्री जी सर इनका श्रवण कुमार जी भी फोन किए थे उनको दो तीन बार, और मुकेश सहनी का लेटर भी गया था जो भी मतलब का इनको ड्यूटी बोली थे सस्पेंड किए हैं, वेतन रोके हुए हैं, और जो आधा वेतन जो मिलता है सस्पेंड अवधि में वो भी नहीं, जीवन अपन खत्म, वो भी मेरा बंद किए हुए हैं। तो इनको रिलीज कर दीजिए जो सही है। तो जैसे ही मंगलवार को हम लोग गए तो ऊपर ज्वाइन करने जाए तो बुलाए भेजो गए, तो जैसे ही चैम्बर में घुसते हैं तो हमारे हस्बैंड का उनको अभी हार्ट का और वो किडनी का प्रॉब्लम, तो हम साथ में जाने लगे, तो तुम निकलो तुमको जेल भेज देंगे, हमारे हस्बैंड को जूता से मारें, जूता खोल के जूता से मारेंगे। अब बताइए आप कोई है, मतलब एसआई रंग के हैं चाहे जो भी चौकीदार है, कोई एसपी इस तरह थोड़े बात करते हैं जो किसी को जूता से मारेंगे। हम फैमिली साथ में हैं और जूता से मारना, और इससे पहले आपका संतोष कुमार थे वो कितने सारे स्टाफ को मारे मारपीट किए, सब डर के रह जाता है। तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर हमारे हस्बैंड तो पूरे सेंसलेस हो गए, उसके बाद आपका सिंहर हॉस्पिटल में एडमिट करवाए, वहाँ से फिर रेफर किया तो पटना PMCH लाए सर। और जिस शाम के टाइम में हमको एक लेटर भेजते हैं जो अभिलम्ब ज्वाइन करे हॉस्पिटल में, पति है मेरे अभिलम्ब ज्वाइन करे नहीं तो हम अपना काम ही कार्रवाई करेंगे। तो अब तो मेरा पहले तो हम हॉस्पिटल का इलाज कराएंगे उसके बाद ही कुछ करेंगे ना, आज 7-8 दिन हो गया है अभी तक ऐसा कुछ आश्वासन तो नहीं मिला, इसीलिए हमको आप लोग के पास में आना पड़ा। और ऐसे मतलब अपना लाइफ में ऐसा एसपी नहीं देखे जो जूता से चप्पल से मारे। आप भी FIR किए हैं? हम नहीं FIR किए सर। आरोप एसपी पे लगा रहे हैं आप? हाँ एसपी पर। पुलिस विभाग के आदमी होकर के पुलिस विभाग आपकी मदद करेगा आपको लगता है? हमको तो मदद कहीं से नहीं लगता, अपने आप कहीं से मदद नहीं लगा। उस दिन सिपाही जमजमदार हवलदार सारे आदमी थे उस समय हमारे हस्बैंड, हमको यदि ऐसा ही करना था तो एक सबका मान सम्मान होता है ना, क्योंकि आपको कम से कम हम किसी का फैमिली क्यों आए हमारे पास, सबसे पहले तो उन हम तो अपने आप 35 साल तो हम तो मेरी शादी का हो गया, हम इतने सारे आप क्या चाहते हैं? हमको न्याय चाहिए, जो हमारे साथ इस तरह हमारे हस्बैंड को मतलब इतना अपसाद व्यवहार किया, आप किसी अफसर को आप जूता से मारेगा, आप नहीं मारता ऐसा तो कहीं रूल नहीं है, आप लिखिए लिख सकते हैं उनके अगेंस्ट में, पर किसी को आप मारने का कोई भी एसपी है एसपी साहब को अधिकार नहीं है। जो इस क्या नाम है संजय भारती जो किए हैं शायद हम ऐसा एसपी इनके मतलब कभी को देखे ही नहीं अपने लाइफ में। आपके बच्चों पे भी केस है? हाँ हमारे बच्चे भी किए हुए हैं, मगर वो प्रूव किए हैं जो कि जांच हो सही तरीका से जांच हो, मेरे ड्यूटी में मेरे हस्बैंड ड्यूटी में थे और उनको फंसाया गया, तो आप सोच सकते हैं मतलब ये लोग ऐसे ऐसे कुछ एसपी जैसे नालंदा एसपी गलत जांच कर आयो गलत दिए, नालंदा एसपी उसको शुरू करके केस किए, एसपी साहब उसको आगे बढ़ाए सिंहर जिला भेजे, और सिंहर जिला में बिना जांच पड़ताल के इनको सस्पेंड कर दिए, कम से कम जांच तो लेते। हाँ उस दिन कहाँ थे, आज समझिए 6 महीना से पेमेंट नहीं मिला, आप कहते हैं कर्ज लिए, कर्ज क्यों नहीं लेंगे आप बताइए, 12 महीना का साल होता है उसमें 11 महीना तनख्वाह नहीं मिलता तो कर्ज लेके तो खाना ही करेगा, अरे हमारे हस्बैंड ईमानदारी से जिए हैं, ईमानदारी से नौकरी की है, आज पूरे इनका सबसे उल्टा के देख लिया जाए कुछ नहीं, बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई बस इतना ही, इलाज चल रहा है। हाँ अभी इलाज चल रहा है सर उनका, किडनी का प्रॉब्लम, आज हमारे हस्बैंड को उस दिन कुछ हो जाता तो क्या होता मेरे साथ। हाँ पटना PMCH में चल रहा है, पटना PMCH में इलाज चल रहा है, उसको छुटकारा इतना कोरोना भरा हुआ है, अभी हम लोग होटल में रुके हुए हैं, पटना होटल में रुके वहाँ से अपना नाम बता दें। मेरा नाम विजेता कामत है, और वो क्या बोलेगा पर रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।